स्वागत है आपका सुपर फास्ट इंडिया एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ निशा ग्राग। शुरुआत करते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। भिवानी लोहारू सड़क मार्ग पर स्कूल बस और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दो की मौत जबकि आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी द्वारा सेवा मुक्त कर्मियों की बहाली और डीसी द्वारा ज्ञापन नहीं लेने से नाराज होकर दादरी में बसों का चक्का जाम देर रात बनी सहमति के बाद रद्द कर दिया गया। लखनऊ में बदमाशों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला लखनऊ के आलमबाग इलाके के सरदारी खेड़ा का है, जहां बाइक से जा रहे टेम्पो संचालक शराफत को बदमाशों ने जान से मारने की कोशिश की। रेवाड़ी में प्राइवेट स्कूल बस में कमी पाई जाने पर अतिरिक्त उपायुक्त ने 15 बस को इंपाउंड कर दिया और कहा कि लापरवाही बरतने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। कैथल में डंपिंग बाउंड को लेकर प्रशासन और किसान आमने सामने है। प्रशासन के पास ग्राउंड शिफ्ट करने का विकल्प नहीं और किसान डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट करने और प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा की मांग पर अड़े हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने मायावती के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। बसपा इनेलो गठबंधन के बाद पहली संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में 5 प्रस्ताव भी पारित किए गए। शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जिसे बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियों को कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। शिवराज की सरकार में किसान परेशान है। आज मुंगावली कृषि मंडी समिति में किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचे तो किसानों की फसल के भुगतान के बदले में व्यापारियों ने चेक दे दिए। हरियाणा में राजनीति गरमाने लगी है। चुनाव की आहट को देखते हुए राजनेता जनता हितैषी बनने लगे। वहीं बीते रोज कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए एक युवा कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ इनेलो का दामन थाम लिया। झज्जर के चांदपुर गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत होने का मामला सामने आया है। घायल अवस्था में युवती को झज्जर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां युवती ने दम तोड़ दिया। हरिद्वार स्थित रामानंद कॉलेज और निरंजनी अखाड़े से जुड़े विवाद में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रामानंद पुरी ने एक बार फिर से हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर एक अन्य महंत समेत कई लोगों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। हरिद्वार के जटवाड़ा पुल के पास बने गंगा नहर के रेगुलेटर के आसपास 5 शव तैरते हुए मिलने से हड़कंप मच गया। शव काफी पुराने दिखाई दे रहे हैं। सड़े गले इन शवों में एक शव महिला का और 4 पुरुषों के शव लग रहे हैं। लखनऊ के थाना सरोजनी नगर में अवैध संबंधों के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार होने से पहले पुलिस ने उसे धर दबोचा। शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के एक गांव में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने 14 साल की किशोरी को छत से नीचे फेंक दिया। युवती के भाई ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मुरादाबाद में शुगर मिल के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। कर्मचारी की मौत की सूचना मिल अधिकारियों को दी गई। मिल अधिकारी कर्मचारी को क्लेम देने से बचते नजर आए। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला थाना क्षेत्र के कैलाश विहार का है, जहां पर घर को सोना पाकर चोरों ने 50,000 की नकदी और गहने समेत 5 लाख रुपए के कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल के नजदीक जहर खुरानी ग्रुप द्वारा 2 बुजुर्ग महिलाओं को बेहोश कर लूट लिए जाने का मामला सामने आया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन महिलाओं से लूट की गई है। बेहोशी की अवस्था में स्थानीय लोगों ने दोनों महिलाओं को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। झज्जर के सरकारी अस्पताल को आमजन ने पीजीआई रेफर करने का मार्का दिया हुआ है, लेकिन इन दिनों मरीजों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में रैबिज के इंजेक्शन नहीं है, जिसके चलते मरीजों को गुरुग्राम या फिर दिल्ली जाकर अपना इलाज करवाना पड़ता है। झज्जर जिले में तेज मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। वहीं इस बारिश में मंडियों में पड़ी किसानों की गेहूं भीग गई, जिससे एक बार फिर जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है।